हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक देख लिया था रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब हम देखेंगे इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। एड एड का क्या मतलब है? एड का मतलब होता है हेल्प। तो इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन मीन्स इंटरनल कौन कौन सी चीजों से आपको हेल्प मिल सकती है इंटरप्रिटेशन करने में, कंस्ट्रक्शन करने में। तो इंटरनल चीजें मीन्स क्या? तो इंटरनल का मतलब है जो विद इन द एक्ट है। तो एक्ट में ही लिखा हुआ है या एक्ट में ही दिख रहा है आपको कि ये चीजें दी गई है, जैसे कि लॉन्ग टाइटल एक्ट में होता है, ये सब एक्ट के अंदर ही है। इंटरनल, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इंटरनल एड भी देखेंगे हम, फिर एक्सटर्नल एड्स भी देखेंगे। तो इंटरनल एड्स का मतलब है जो एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, और वो प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हम क्या उन चीजों को यूज कर सकते हैं। आपको कौन सी चीजें? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें होती है एक एग्जाम्पल के रूप में। पूरी चीजें तो बताई नहीं जा सकती, बट एक एग्जाम्पल के रूप में एक बेयर एक्ट मैं लेके आता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 का। वैसे आपने कंपनीज एक्ट 2013 जो भी पढ़ा है पूरा बेयर एक्ट से ही पढ़ा है, ज्यादातर मैक्सिमम पोर्शन अपन ने बेयर एक्ट से कवर किया था, एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट से। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट बता रहा हूँ, सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट में होता क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स के बाद फिर सेक्शंस बताए जाते हैं। सेक्शन में फिर सेक्शन 1, 2, 3, 4 ऐसा होता है, और ये चैप्टर वाइज डिवाइड किए जाते हैं। सेक्शन की भी हेडिंग होती है, तो हर सेक्शन की हेडिंग है। जैसे सेकेंड सेक्शन है डेफिनेशंस, जैसे समझो सेवेंथ सेक्शन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, दिस इज कॉल्ड एज द हेडिंग ऑफ द सेक्शन, ठीक है? तो ऐसे चैप्टर वाइज डिवाइडेड होते हैं। इसमें भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखा था। जैसे चैप्टर नंबर 3 में 2 पार्ट आते हैं, 1 डील्स विद द पब्लिक इशू एंड द अदर डील्स विद द प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था। जो पार्ट 2 है प्राइवेट प्लेसमेंट, उसमें सिर्फ एक सेक्शन हमने देखा था, सेक्शन नंबर 42, ठीक है? फिर हमने सब एक एक करके सेक्शन देखे। बीच में कभी सेक्शन 76A प्रकार का भी आपको सेक्शन दिखेगा। तो ये कब लाया गया? ये अमेंडमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, बाद में डाले जाते हैं, तो आप खसका नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे अगर सोचो 76 के बाद आपको सेक्शन डालना है, लेकिन ऑलरेडी 77 आ चुका है, तो क्या आप खसका सकते क्या इसको? क्या आप यहाँ पे 76 के बाद ये 77 करेंगे, फिर इसको 78, 79? तो कितना गड़बड़ हो जाएगी, सोच के देखो। मींस 1 तारीख तक के कोई और सेक्शन था नंबर इसका, और 1 तारीख के बाद उसका नंबर बदल जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर चैप्टर्स खत्म होते हैं। अब हमारे को तो बहुत कम पढ़ना है, हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं? हम लोग सिर्फ 148 तक के पढ़े हमने, ठीक है? इसके बाद के जो सेक्शन है आपको नहीं है, ये आपको फाइनल लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? मिल सकते हैं क्या? मिलेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने आपको जस्ट पिछले इसमें वाइंडिंग अप के बारे में बताया था। तो वाइंडिंग अप में भी पार्ट है, तो वाइंडिंग अप में 270 है। फिर मैंने आपको बताया था कि कब कब ट्रिब्यूनल वाइंड अप करवा सकता है, तो ये अपन ने देखे थे, ठीक है? फिर मैंने हल्का पुल्का बताया था, ये आपको है नहीं, ये सिर्फ आपको मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बताया था। फिर आखिर में इसमें शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल का क्या मतलब है, या कुछ लोग स्केड्यूल भी बोलते हैं, तो स्केड्यूल बोलो या शेड्यूल बोलो। तो ये क्या है? तो ये इनमें जनरली फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ एमओए, फॉर्मेट ऑफ एओए। शेड्यूल 1 में बताया गया है टेबल ABCDEFGHIJ, तो ये बताया गया है। वैसे शेड्यूल 3 है, इसमें फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके फॉर्मेट्स बताए गए हैं। तो इसमें फॉर्मेट्स वगैरह टाइप की चीजें बताई जाती है, एग्जाम्पल्स वगैरह, एग्जाम्पल के रूप में फॉर्मेट्स वगैरह बताए जाते हैं। फिर यहां से चालू हो रहा है द कंपनीज एक्ट 2013। फिर ये जो एक्ट है इसमें ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स 2 प्रकार से माने जाते हैं। इसको आप एक तो प्रियम्बल बोलेंगे, ये है प्रियम्बल। प्रियम्बल वर्ड सुना था हमने जब जनरल क्लॉजेस एक्ट देखा था। कुछ एक्ट्स में इनको लॉन्ग टाइटल भी बोला जाता है। जो पुराने एक्ट है ना, उसमें जनरली जो प्रियम्बल वगैरह है, लॉन्ग टाइटल वगैरह है, तो ये दोनों एक ही चीज का काम करते हैं। अभी जब अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ लोग इसको प्रियम्बल में गिनेंगे, कुछ लोग इसको लॉन्ग टाइटल बोलेंगे, दोनों ही सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है? तो अपन देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइटल का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल यानी उसका जो नाम है। तो ये शॉर्ट टाइटल कहाँ लिखा रहता है? शॉर्ट टाइटल इज मेंशन इन सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट? और लॉन्ग टाइटल क्या कर रहा है? दैट इज एक्सप्लेनिंग द एक्ट। उसको एक्ट को समझा रहा है कि एक्ट है क्या। तो ये एक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। तो जो कंपनीज के लॉ है उसको कंसोलिडेट, जोड़ना और अमेंड करना, बदलाव लाना, तो ये इसका एम है, ठीक है? तो ये एम बताता है, पर्पस बताता है, तो ये इसीलिए प्रियम्बल भी कहलाता है। और ये इसका नाम भी है कि ये क्या है, ये लॉन्ग टाइटल कहलाएगा। क्योंकि
ये एक्ट का पूरा नाम क्या है, तो इट इज अ लॉ रिलेटेड टू कंपनीज, ठीक है। तो कंपनी के जो लॉ है उसको कंसोलिडेट एंड अमेंड करने का कार्य करने का कार्य कर रहा है ये एक्ट, ठीक है। फिर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, ये सेक्शन नंबर 1 में ये सब दिया रहता है। कोई भी चीज, ये इंट्रोडक्शन है, प्रिलिमिनरी है, तो प्रिलिमिनरी में क्या है, प्रिलिमिनरी में आपको शॉर्ट टाइटल, जैसे मैं आपसे इंट्रोडक्शन मांगता हूं तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आपका जन्म कब हुआ था, आप कहाँ रहते हैं, ये सब आपका इंट्रोडक्शन है। उसी प्रकार से ये है कि ये कंपनी का नाम क्या है, द एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये हो गया शॉर्ट टाइटल, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट टाइटल का क्या मतलब है, ये जो है ये शॉर्ट टाइटल हो गया, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, कहाँ लगता है ये, पूरे भारतवर्ष में, तो ये सब बताया। फिर किस किस को लगता है, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, फिर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये नोट दिए रहते हैं कुछ मार्जिन में नीचे में, वो भी आपके कुछ काम के होते हैं। वैसे सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है। डेफिनेशंस किस प्रकार से होती है, तो डेफिनेशंस दी रहती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ए से शुरू होने वाली डेफिनेशन आपको फर्स्ट दिखेगी, फिर वैसे ही ए से जितनी भी डेफिनेशन है वो सब पहले आएगी। अब 2 ए से है तो कैसे देखा जाएगा, तो यहाँ पे फिर सेकेंड वाला भी अल्फाबेट देखा जाता है, तो पहला ए है, सेकेंड बी है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ सी आ गया तो ये सेकेंड डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो सेकेंड अल्फाबेट देखा जाता है, फर्स्ट पहले देखेंगे उसके बाद सेकेंड अल्फाबेट, तो ये देखे थे हमने, ये ऑलरेडी अपन ने ये सब पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या है वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये पूरे सेक्शंस इस प्रकार से लिखे जाते हैं। फिर डेफिनेशन के बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 चालू होता है। चैप्टर नंबर 2 किसके हिसाब से, एज पर दिस एक्ट, चैप्टर नंबर 2 एज पर दिस एक्ट, ठीक है। उसमें सेक्शन 3, ये जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप हेडिंग या टाइटल ऑफ द सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या ये यूज कर सकते हैं आप इंटरप्रिटेशन के लिए, तो ये सब चीजें भी अपने को देखना है, ठीक है। तो अपने को वही देखना है, इसीलिए मैं पहले आपको एक्ट बता दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक अमेंडमेंट एक्ट भी बताता हूँ इसमें, क्योंकि आपको मार्जिनल नोट्स वगैरह देखने को भी मिल जाएंगे। तो ये ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश करके ये एक्ट बनाया जाता है, पब्लिश बाय द अथॉरिटी, ये सब दिया है, कब हुआ था ये सब दिया रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फिर इसका नाम है द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, तो इसका भी शॉर्ट टाइटल रहेगा, द एक्ट में भी कॉल्ड एज द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, तो ये है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ठीक है। फिर 2 जो है इसमें क्या बोला है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल नोट्स। ये खास तौर पे आपको मैं बताऊंगा जहां पे अमेंडमेंट के बदले न्यू सेक्शन आया, जैसे यहाँ पे देखो ये न्यू सेक्शन आया है, न्यू सेक्शन, ये मार्जिन में लिखा हुआ है कि न्यू सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है, ये आपको कुछ समझा नहीं रहा, तो ये यूज करना नहीं करना ये अपने को देखना है। तो ये जनरली यूज नहीं किया जाता, ये कोई इंटरप्रिटेशन का काम थोड़ी कर रहा है, ये क्या है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि एक नया सेक्शन ला लिया गया है, बस इतना सा काम कर रहा है। तो इसको इंटरप्रिटेशन में आप यूज नहीं करते हैं जनरली, कुछ केसेस में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो अब यूज करोगे, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये एक एक्ट है, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्ट है, ये मेरे को आपको दिखाने का पर्पज सिर्फ इतना था कि भाई एक्ट होता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक्ट से पढ़ा जरूर है, बट वो एक्ट होता कैसा है, एक्चुअल में कैसे क्या बनाया जाता है, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम देख रहे थे इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन, तो क्या दिया है इसमें, इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। हर एनेक्टमेंट में पहले तो उसका टाइटल रहता है, प्रीएम्बल होता है, तो टाइटल, प्रीएम्बल, फिर हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, डेफिनेशनल सेक्शंस, क्लॉजेस, ये सब चीजें होती है, इलस्ट्रेशंस, और भी चीजें होती है, एक्सेट्रा, दे आर नोन एज इंटरनल एड्स। इंटरनल एड क्यों, क्योंकि ये एक्ट के अंदर है, अभी मैंने आपको एक्ट के अंदर बताया ये सब चीजें, ठीक है। तो ये एक्ट के अंदर है, तो सवाल ये है कि क्या इसको आप यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज येस, इट कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प इन इंटरप्रिटिंग और कॉन्स्ट्रिंग द एनेक्टमेंट ऑफ एनी ऑफ इट और एनी ऑफ इट्स पार्ट। तो इसमें से कौन सी चीज यूज कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। पहला है लॉन्ग टाइटल, द एन एनेक्टमेंट वुड हैव व्हाट इज नोन एज दिस शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल तो होता ही है जैसे कंपनीज एक्ट, एंड ऑल्सो लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल क्या करता है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द एक्ट। तो शॉर्ट टाइटल सिर्फ आपको बता देता है कि ये इसका नाम है, लेकिन लॉन्ग टाइटल उसको डिस्क्राइब करता है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना पसंद करूंगा, तो देखते हैं एक वीडियो। हम लोग गोवा तक छोड़ देते, गोवा गोवा, अयो आओ ना जी, आओ क्यों ना, थैंक यू वेरी फॉर द लेट। कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में?
देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், பெரம்பதூர் சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர் சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர் சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர் சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர் சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர் சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால் ஐயர், ஸ்ரீபரவரன அட்டபட்டு ஜெயசூர்ய லக்ஷ்மண சிவராமகிருஷ்ண சிவ வெங்கட ராஜசேகர ஸ்ரீனிவாசன திருச்சிப்பள்ளி எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர் சின்னசுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால हाँ, तो ऐसा है। तो एक वीडियो में दिखाना चाहता था, तो इससे आपको क्या समझा, शॉर्ट टाइटल, उसका नाम क्या है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, तो ये उसका नाम हो गया व्यक्ति का। लेकिन लॉन्ग टाइटल में क्या है, वो सिर्फ नाम नहीं बता रहा है, लॉन्ग टाइटल तो पूरा डिस्क्राइब ही कर दे रहा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब बता दिया उसके पूर्वज वगैरह के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल, ऐसे दो प्रकार के टाइटल आपको दिखते हैं एक्ट में। जैसे कंपनीज एक्ट में जो आपका शॉर्ट टाइटल है वो है कंपनीज एक्ट 2013। एंड व्हाट इज लॉन्ग टाइटल, तो लॉन्ग टाइटल में आपको दिखेगा कि ये एक्ट बनाया क्यों गया, उसको वो डिस्क्राइब करता है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो वही चीज है यहाँ पे, लॉन्ग टाइटल एंड एनेक्टमेंट वुड हैव व्हाट इज नोन एज शॉर्ट टाइटल एंड ऑल्सो अ लॉन्ग टाइटल। द शॉर्ट टाइटल मियरली आइडेंटिफाइज द एनेक्टमेंट, तो वो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, वो सिर्फ नाम बता रहा है। एंड इज चूजन मियरली फॉर कन्वीनियंस, द लॉन्ग टाइटल ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स द एनेक्टमेंट, तो वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है पूरे प्रकार से। एंड डज नॉट मियरली आइडेंटिफाई इट, वो सिर्फ नाम नहीं बता रहा, वो उसको पूरा डिस्क्राइब ही कर दे रहा है क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो इसका काम भी क्या है, इसका काम भी वही है कि आप डिस्क्राइब करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कि आइडेंटिफाई तो करेंगे साथ में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या करने को यह कानून बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टाइटल। ठीक है, इट इज नाउ सेटल्ड दैट अ लॉन्ग टाइटल ऑफ एन एक्ट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्ट, वो पार्ट ऑफ एक्ट है, एक्ट में लिखा है, हुआ है वो, वी कैन देयरफॉर रेफर टू इट टू असर्टेन द ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दो वर्ड्स क्या क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, एंड सो इज एडमिसेबल एज एन एड टू इट्स कंस्ट्रक्शन। तो क्या लॉन्ग टाइटल आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, द आंसर इज यस, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब यहां पे भी सेम रूल रहेगा, ये आप तब यूज करते हैं जब देर इज नो क्लियर टेक्स्ट, अगर प्लेन टेक्स्ट नहीं है तब। आपको आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल, फुल टाइटल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट्स एक्ट 1951, तो ये जो एक्ट है ये इसका शॉर्ट टाइटल है, सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट्स एक्ट 1951। व्हाट इज द लॉन्ग टाइटल, स्पेसिफाइज दैट दिस इज एन एक्ट टू ऑथोराइज एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस एज अ राइट इन एनी हाई कोर्ट। नाउ दिस इज द लॉन्ग टाइटल, तो ये हो गया शॉर्ट टाइटल। तो ऐसा है, फिर सो द टाइटल ऑफ द स्टैट्यूट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट एंड मे बी रेफर्ड टू फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द जनरल स्कोप एंड ऑफ थ्रोइंग लाइट ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, ऑल्दो इट कैन नॉट ओवरराइड द क्लियर मीनिंग ऑफ द एनेक्टमेंट। सेम वर्ड्स लिखे हैं, इट कैन नॉट ओवरराइड द क्लियर मीनिंग ऑफ द एनेक्टमेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इट कैन नॉट ओवरराइड द प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट अगर है, क्लियर लिखा है, तो फिर आपको देखना ही नहीं है लॉन्ग टाइटल क्या बोल रहा है।
लॉन्ग टाइटल कब आप रेफर करोगे? व्हेन देयर इज नो क्लियर टेक्स्ट, जब प्लेन टेक्स्ट नहीं है तब आप लॉन्ग टाइटल को रेफर करोगे। मीन्स एक ऐसा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने प्रीएम्बल पढ़ा था, प्रीएम्बल पढ़ा था हमने जब हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट देखा था, यहां फिर से आएगा ये, मैंने आपको बोला था और ये फिर से आ रहा है। तो देखो अगला पॉइंट वही है, प्रीएम्बल बिल्कुल सेम रूल्स है, एकदम कॉपी पेस्ट। क्या प्रीएम्बल को यूज कर सकते हैं? तो प्रीएम्बल को यूज कर सकते हैं इफ देयर इज एम्बिग्यूटी, लेकिन प्लेन टेक्स्ट को ओवरराइट नहीं करेगा। तो वही बताया, द प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द स्कोप, बिल्कुल सेम वर्ड है, स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। क्या यही वर्ड्स हमने कहीं और पढ़े हैं? आंसर है हाँ, ऊपर देखे हमने, वही वर्ड्स आपको यहां भी दिए हैं। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कुछ जगह आप उसी को शॉर्ट लॉन्ग टाइटल पढ़ोगे और कुछ जगह उसी को आप प्रीएम्बल पढ़ोगे। तो वही बताया, द प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, ये ज्यादा डिटेल में बताता है थोड़ा सा, देन द लॉन्ग टाइटल। ठीक है, तो लॉन्ग टाइटल अगर सफिशियंट है तो आपको प्रीएम्बल अलग से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टाइटल सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है तो अगर आपको जरूरत है और ज्यादा डिस्क्राइब करने की तो वहां आपको प्रीएम्बल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर जगह आपको देखने को मिले जरूरी नहीं, अगर नहीं मिलता है तो आप लॉन्ग टाइटल को ही प्रीएम्बल मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखेगा आपको कि लॉन्ग टाइटल है और उसको और ज्यादा डिटेल में बताया। लॉन्ग टाइटल तो एक लाइन का रहेगा लेकिन उसको और ज्यादा डिटेल में बताया इन द प्रीएम्बल। ठीक है, द प्रीएम्बल मे रिसाइट द ग्राउंड एंड कॉज ऑफ मेकिंग अ स्टैट्यूट। तो क्या कॉज था, क्या रीजन था, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बिहाइंड मेकिंग द लॉ, तो ये देखे थे हमने, एंड द इविल विच इट शॉट टू बी रेमेडीड बाय इट, कौन सी जो चीज है उसको खत्म करने के लिए कानून लाया है। लाइक द लॉन्ग टाइटल, बिल्कुल सेम रूल लगते हैं लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल में, मीन्स प्रीएम्बल कैन ऑल्सो बी यूज, लेकिन दोनों ही केस में इट कैन नॉट ओवर राइड प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो यहां पे भी वही है, इट कैन नॉट ओवर राइड प्लेन टेक्स्ट। तो वही दिया है, लाइक लॉन्ग टाइटल द प्रीएम्बल ऑफ द स्टैट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द एनेक्टमेंट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनेक्टमेंट एंड कैन लेजिटिमेटली बी यूज फॉर कंस्ट्रूइंग इट, कंस्ट्रूइंग मीन्स मीनिंग निकालना। हाउएवर द प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बिल्कुल सेम वर्ड यहाँ पे भी लिखे हैं, प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यही चीज मैंने आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट में पॉइंट वाइज लिख के बताया हूँ। ठीक है, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ये भी लिखोगे तो भी सही है, वो लिखोगे तो भी सही है, दोनों एक्चुअली है वही, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझेगा दोनों में वही चीज बताई गई है, क्योंकि प्रीएम्बल का मतलब ही वही है। ठीक है, बट इफ द वर्डिंग्स ऑफ द स्टैट्यूट गिव राइज टू डाउट एज टू इट्स प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल वेयर द वर्ड्स और फ्रेजेस हैज मोर देन वन मीनिंग, तब आप प्रीएम्बल यूज करोगे और फिर देखोगे ये मीनिंग सही है या ये मीनिंग सही है, फिर आप डिसाइड करोगे कौन सा मीनिंग सही है। ठीक है, तो प्रीएम्बल वहां पे काम आएगा जहां पे एम्बिग्यूटीज है, व्हेन देयर आर मोर देन वन मीनिंग पॉसिबल। ठीक है, तो वही बताया, वेयर द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस हैज मोर देन वन मीनिंग एंड अ डाउट अराइजेस एज टू विच ऑफ द टू मीनिंग इज इंटेंडेड इन द एक्ट, द प्रीएम्बल कैन एंड ऑट टू बी रेफर्ड, ऑट टू बी का मतलब है शुड बी रेफर्ड टू इन ऑर्डर टू अराइव एट द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। इन शॉर्ट, Preamble of an act discloses the primary intention of the legislature, but can only be brought in as an aid to construction if the legislature language of the statute is not clear. अगर clear है, plain text है, तो it will never be referred. तो preamble या long title, it cannot override the plain text. Plain text है, clear text है, तो आप preamble और long title use नहीं कर सकते as aid to interpretation. ठीक है, however, it cannot override the provisions of the enactment. ठीक है, तो ये दो चीजें, एग्जाम्पल दिया है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। केस क्या हुआ था, केस हुआ था शादी हो रही थी, एक क्रिश्चियन लड़का था और एक हिंदू लड़की थी, ये दोनों की शादी हो रही थी। सवाल ये आया, क्या हिंदू मैरिज एक्ट इनके ऊपर लगेगा? अब जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 5 में वर्ड यूज किया है मे, वहां क्या वर्ड लिखा है, द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन नंबर 5 प्रोवाइड्स दैट अ मैरिज मे बी सॉलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। अब वहां वर्ड है मे बी, तो क्या यहां पे डाउट आता है, क्या एक हिंदू रहा तो चलेगा, दूसरा नहीं रहा तो चलेगा, क्योंकि मे वर्ड है, शैल वर्ड यूज नहीं किया है, मे वर्ड यूज किया था। तो ऐसे केसेस में डाउट ये आया कि क्या एक हिंदू रहा तो सफिशिएंट है, तो यहां पे देखा गया कि उसका प्रीएम्बल क्या बोलता है।
तो प्रियम्बल में बोला गया था कि ये एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि दो हिंदुओं के बीच में जो शादी होगी तो उस पे ये अप्लाई होगा। और यहाँ पे प्रियम्बल को रेफर करते हुए ये डिसाइड किया गया कि जब एक क्रिश्चियन लड़का है और एक हिंदू लड़की है तो वहां पे फिर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैंने समझा दिया हूं, एक बार रीड करके देखते हैं। यूज ऑफ द वर्ड मे इन सेक्शन नंबर 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट अ मैरिज मे बी सॉलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज हैज टू बी कंस्ट्रूड टू बी मैंडेटरी। तो देखो वर्ड यूज क्या किया है, मे, तो मे जनरली डायरेक्टरी होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट यहां पे इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट टू बी मैंडेटरी इन द सेंस दैट बोथ द पार्टीज ऑफ मैरिज मस्ट बी हिंदूज, दोनों का हिंदू होना कंपलसरी है एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। इट वॉज हेल्ड दैट मैरिज बिटवीन क्रिश्चियन मेल एंड हिंदू फीमेल सॉलेमनाइज्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट वॉज वॉइड। तो इस शादी की अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कराई गई है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, इट इज वॉइड। दिस रिजल्ट वॉज रीच्ड ऑल्सो हैविंग रिगार्ड टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल पढ़ा गया ऑफ द एक्ट विच रीड्स एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। ठीक है, तो अमंग वर्ड यूज किया है, मीन्स दोनों का हिंदू होना जरूरी है। केस का नाम याद रखने को आपको रखने की आपको जरूरत नहीं है, तो केस का नाम भी आपको दिया जरूर है, गुल्ली पोली सोराई राज वर्सेस बंदुरू पाउनी तो रहते हैं ऐसे नाम, ठीक है, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का हेडिंग होती है, जैसे अलॉटमेंट एंड प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये सब हो गया। तो ये हेडिंग क्या आप यूज कर सकते हैं, तो देखो क्या बोलता है आपका रूल, इफ वी ग्लांस थ्रू एन एक्ट, तो अभी हमने जस्ट ग्लांस किए थे, देखे थे, वी वुड जनरली फाइंड दैट अ नंबर ऑफ इट्स सेक्शंस एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर, एक साथ वो जमा किया जाते हैं जिनको हम बोलते हैं चैप्टर्स। ठीक है, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स प्रिफिक्स्ड बाय हेडिंग एंड और टाइटल्स, दीज हेडिंग्स एंड टाइटल्स प्रिफिक्स्ड टू सेक्शंस और ग्रुप ऑफ सेक्शंस कैन लेजिटिमेटली बी रेफर्ड टू फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रूइंग द एनेक्टमेंट और इट्स पार्ट, तो ये भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर हाउएवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन क्यों है, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे दो प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार के लोग बोलते हैं कि इसको ऑलवेज इट शुड बी यूज, और दूसरे प्रकार के लोग हैं ये तभी यूज करना चाहिए व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो देखो however there is a conflict of opinion about the weightage to be given, kitna isko tawajjuh di jaye, kitna isko mana jaye, well one section of opinion considers that a heading is to be regarded as giving the key to interpretation, to wo bolte hamesha hi dhyan rakhna, it is the key to interpretation, agar aap heading nahi padhte to kaise samjhega, of the clauses ranged under it and might be treated as preamble of the provision following it, the other section is of the opinion is emphatic that resort to the heading can only be taken when the enacting words are ambiguous. According to this view, headings or titles prefixed to sections or groups of sections may be referred to as a construction of doubtful expressions but cannot be used to restrict the plain terms of an enactment. So, dono prakar ke view possible hai. Ab aapko aisi jagah pe aa jati hai dubidha. To aapko lag raha hai sir hum kya likhenge? Aapko bhi yahi likhna hai. कि दोनों प्रकार के व्यू पॉसिबल है, इट इज अ पार्ट ऑफ द एनएक्टमेंट बट देयर आर टू व्यूज पॉसिबल, वन सेक्शन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, वन सेक्शन ऑफ द ओपाइंस, यानी व्हाइल वन सेक्शन ओपाइंस कि आपके जो इंटरप्रिटेशन है उसमें हमेशा ये यूज करना ही चाहिए ऑलवेज, तो दूसरा सेक्शन क्या बोलता है, वो बोलता है कि सिर्फ जब एम्बिग्यूटी होगी तभी यूज करोगे, हमेशा यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, चैप्टर कंटेन्ड इन सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रेड एज लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टन ऑफेंस, तो हेडिंग में क्या लिखा है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, तो कोई ऑफेंस है, मैं इसको एक अलग एग्जाम्पल से, थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ऐसा मैच नहीं हो रहा, बट आपके हिसाब से जो आसान हो जाए, समझो एक्ट में लिखा है अगर कोई गड़बड़ होती है, यहाँ पे समझो कोई गड़बड़ हुई, तो वहां से समझो 6 months के अंदर डिसीजन हो जाना चाहिए, ये लिखा है एक्ट के टाइटल में, हेडिंग में,
ठीक है, तो हेडिंग में लिखा है कि आपका डिसीजन हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। अब अंदर जब पढ़ते हैं तो अंदर पढ़ के ये पता लगता है कि ये जो 6 महीने का टाइम दिया है ये डिसीजन के लिए नहीं दिया है, ये 6 महीने का टाइम किस चीज के लिए दिया है, तो ये केस फाइल करने के लिए टाइम दिया है, तो डिसीजन के लिए नहीं है, फॉर फाइलिंग सूट। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो बिल्कुल इससे मैच नहीं हो रहा। तो अगर हेडिंग में टाइटल में लिखा था डिसीजन हो जाना चाहिए लेकिन अंदर लिखा है नहीं सिर्फ सूट फाइल करने का टाइम है, तो आप क्या मानोगे? तो ऐसे केसेस में आप ये मानोगे कि वो सिर्फ सूट फाइल करने का टाइम है, वो डिसीजन देने का टाइम नहीं है। डिसीजन हो सकता है लेट भी हो लेकिन 6 महीने के अंदर यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ था, तो वहां से 6 महीने के अंदर आपको केस फाइल करना है और डिसीजन भले फिर हो सकता है 2 साल बाद आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये मैंने आसान शब्दों में आपको बता दिया, एक बार रीड करके देखते हैं। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टन ऑफेंसेस वॉज नॉट हेल्ड टू बी कंट्रोलिंग एंड इट वॉज हेल्ड दैट क्यूमुलेटिव रीडिंग ऑफ वेरियस प्रोविजंस, अंदर जब सब चीजें आप साथ में पढ़ते हैं, इन द सेट चैप्टर क्लियरली इंडिकेटेड दैट लिमिटेशन यानी टाइम लिमिट जो होता है प्रिस्क्राइब देयर इन वॉज ओनली फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, सिर्फ कंप्लेंट फाइल करने की वो लिमिट थी, और इनिशिएशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस फाइल करने का दिन था, तारीख थी, एंड नॉट फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस। ठीक है, तो वो सिर्फ किस चीज के लिए टाइम दिया गया था कि केस वगैरह फाइल कर सको। ठीक है, कॉग्निजेंस के लिए नहीं था। ठीक है, तो भले ही हेडिंग में लिखा है कॉग्निजेंस के लिए, ठीक है, तो ऐसा है। तो सिंपल भाषा में अगर आप देखो तो उसमें लिखा था डिसीजन हो जाना चाहिए लेकिन उसका जब अंदर आप प्रोविजंस पढ़ते हैं तो डिसीजन भले ही ना हो लेकिन आपको उसके ऊपर एक्शन ले लेना है, कंप्लेंट फाइल कर दो या केस फाइल कर दो, तो वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा है। मार्जिनल नोट्स, जैसे अभी मैंने आपको एक्ट में बताया था कि मार्जिनल नोट्स भी होते हैं, तो क्या मार्जिनल नोट्स को आप यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो, मार्जिनल नोट्स कैन नॉट बी यूज फॉर कॉन्स्ट्रूइंग एन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके दो दो मार्क के लिए, तीन तीन मार्क के लिए, तो आपको ये दो दो तीन तीन लाइन में लिखना है। तो मार्जिनल नोट्स क्या आप यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ऐसे केसेस में मार्जिनल नोट्स को यूज करना ही है, रेफर करना ही है, तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर से यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रिगार्डिंग टू रिसॉर्ट टू मार्जिनल नोट्स फॉर कॉन्स्ट्रूइंग एन एनेक्टमेंट, द जनरली हेल्ड व्यू, जनरली क्या मानते हैं हम, इज दैट मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू अ सेक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर कॉन्स्ट्रूइंग द सेक्शन। इन सीआईटी वर्सेस अहमद भाई उमर भाई, तो अहमद भाई उमर भाई, फिर इसमें जो जज साहब थे पतंजलि शास्त्री, हैड डिक्लेयर्ड मार्जिनल नोट्स इन एन इंडियन स्टैट्यूट एंड एज इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी रेफर्ड, उन्होंने भी बोल दिया कैन नॉट बी रेफर्ड टू फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्ट्रूइंग द स्टैट्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि इट कैन नॉट बी रेफर्ड। एंड द सेम व्यू हैज बीन टेकन इन मेनी अदर केसेस, मेनी केसेस शो दैट रेफरेंस टू मार्जिनल नोट्स मे बी परमिसिबल इन एक्सेप्शनल केस, बहुत कम, एकदम निग्लिजिबल, तो बोल सकते हैं 1% केस। ठीक है, केसेस फॉर कॉन्स्ट्रूइंग अ सेक्शन इन अ स्टैट्यूट, तो ये आपको दूसरा केस दिया है, केस याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाउएवर ये याद रखना है, मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन हेल्ड टू बी द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पास बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयरफॉर हैव बीन मेड यूज ऑफ इट इन कॉन्स्ट्रूइंग द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का मीनिंग निकाल रहे हो आप जब, तो ऐसे केसेस में आपको मार्जिनल नोट्स यूज करना ही है। ठीक है, ऐसा है। ये एग्जाम्पल वगैरह अपन नहीं भी पढ़े तो चलता है, एक बार रीड कर लो। आर्टिकल 286 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्निशिंग प्राइमा फेसी सम क्लू एज अ मीनिंग एज पर्पस ऑफ द आर्टिकल, ये वही बोल दिया है कि आप मार्जिनल नोट्स वगैरह ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा नहीं, बहुत सारे कानून पढ़े नहीं, तो ऐसे केसेस में आपको ये सब समझना मुश्किल होता है थोड़ा। जैसे ऊपर भी मैंने सीआरपीसी बताया तो मैंने अपने तरीके से वो समझा दिया आपको, तो अपने तरह से इसीलिए समझाया क्योंकि आपको ये पता ही नहीं सीआरपीसी क्या है, उसमें कॉग्निजेंस क्या है, ये सब चीजें आपको नहीं पता। आप सिर्फ सिविल लॉस पढ़ते क्योंकि अपन बिजनेस वाले लॉ पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस लॉ में आपको सिर्फ कंपेंसेटरी नेचर के लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल जो लॉज है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, तो अगर आप लॉ कर रहे हैं तो लॉ में ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो जो लॉ कर रहा है उसको और अच्छे से समझ जाएगा क्योंकि उसने ये सब चीजें पढ़ा हुआ होता है, लेकिन अपन ने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको इसीलिए आसान शब्दों में अपने हिसाब से समझा देता हूं। ठीक है, तो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट, डेफिनेशनल सेक्शंस, इंटरप्रिटेशनल क्लॉजेस,
क्या डेफिनेशनल सेक्शंस आप यूज कर सकते हैं, तो वो तो करना ही चाहिए। डेफिनेशनल सेक्शंस का काम ही है कि डिफाइन करना, चीजों को डिफाइन करेगी वो कि कौन सी चीज का क्या मीनिंग है एक पर्टिकुलर सेक्शन में, पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू एम्बडी इन अ स्टैट्यूट इटसेल्फ द डेफिनेशंस। और डेफिनेशन भी दो प्रकार की होती है, एक सेक्शन 2 में आएगी, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 41 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द टर्म रिलेटिव। ये एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन एक स्पेशल डेफिनेशन और मिलती है आपको रिलेटिव की। कहां पे? जब आप जाते हैं गिफ्ट वाले चैप्टर में, तो जब आप सेक्शन 56.2.10 पढ़ते हैं, 56.2.10, वहां पे अलग डेफिनेशन मिलेगी। तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में दो जगह रिलेटिव की डेफिनेशन मिलती है, एक मिलती है आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 41 में, और दूसरी मिलती है आपको सेक्शन नंबर 56.2.10 में। तो ये दो जगह आपको मिलती है डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में डेफिनेशन दी है, तो दैट विल अप्लाई ओनली टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन ओनली, एंड इट विल नॉट अप्लाई टू द होल एक्ट। बट जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी है, दैट विल अप्लाई टू द होल एक्ट। ठीक है, तो ऐसा है। तो अपन देखते हैं अब डेफिनेशनल सेक्शंस के बारे में भी और अंदर बात करते हैं। तो देखो, द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू एम्बडी इन एनी स्टैट्यूट इटसेल्फ द डेफिनेशंस ऑफ इट्स लैंग्वेज, एंड इट इज क्वाइट कॉमन टू फाइंड इन स्टैट्यूट्स डेफिनेशंस ऑफ सर्टन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट। तो आपको वो स्टैट्यूट के लिए वही डेफिनेशन यूज करना है। जैसे डेफिनेशन सिक्योरिटी को डिफाइन कर दिया है इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो आप वहां सिक्योरिटी का वही मीनिंग लेंगे जो वहां डिफाइन किया है। आप वहां सिक्योरिटी का मतलब रक्षा वगैरह नहीं लेंगे। ठीक है, तो वहां पे सिक्योरिटी का क्या मतलब है? वहां सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योरिटी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऐसा है। फिर व्हेन द वर्ड और फ्रेज इज डिफाइंड एज हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग इन द एनएक्टमेंट, इट इज द दैट मीनिंग अलोन, वही मीनिंग आपको लेना है। जैसे मैंने अभी सिक्योरिटी का एग्जाम्पल आपको दिया, विच मस्ट बी गिवन टू इट इन इंटरप्रेटिंग अ सेक्शन ऑफ द एक्ट अनलेस देयर बी एनीथिंग रिपग्नेंट इन द कंटेक्स्ट। रिपग्नेंट मीन्स अपोजिट जाना, अगर वो मीनिंग लेने से कुछ अपोजिट मीनिंग निकलता है, प्रॉपर नहीं निकलता है, तो फिर बात और है, नहीं तो आप वही मीनिंग लेंगे। ठीक है, तो जैसे सिक्योरिटी कहीं पे हो सकता है कंपनीज एक्ट में या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, हर जगह सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? तो हर जगह सिक्योरिटी का मीनिंग है सिक्योरिटी एज डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब। लेकिन एक आध जगह कहीं हो सकता है कि सिक्योरिटी को वहां पे एज अ सेफ्टी बोला हो सकता है, तो ऐसे केसेस में फिर सेफ्टी वाली डेफिनेशन भी लगेगी। जैसे कि सेक्शन अगर आप देखते हैं कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट में जहां जहां वर्ड रजिस्ट्रार आता है, तो आप पढ़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बट वहीं अगर आप पढ़ते हैं जब कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह, तो कंपनी कई बार एक एजेंट से करा सकती है, उसको भी रजिस्ट्रार बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? तो आप वहां पे रजिस्ट्रार, कंपनी का जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो उसको आप फिर क्या बोलोगे? उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं बोलोगे। ठीक है, तो वहां भी रजिस्ट्रार वर्ड आ रहा है, बट वो रजिस्ट्रार कौन है? दैट इज द एजेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दो रजिस्ट्रार हो सकते हैं, कंपनी जहां पे एक रेगुलर फाइलिंग करती है वो एक रजिस्ट्रार होगा, जिसको हम बोलते हैं ROC। लेकिन कंपनी का एक एजेंट भी हो सकता है, जैसे शेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर दिया हमने कि ये सब ट्रांसफर वगैरह के रजिस्टर्स ये सब तुम बनाओगे। तो ऐसे केसेस में दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्ट्रार की जनरल डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे जब भी कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे? तो ROC। लेकिन कहीं हो सकता है कि वहां पे रजिस्ट्रार का मतलब एजेंट ऑफ द कंपनी भी हो। ठीक है, तो ऐसा है, इनफैक्ट हमने ये पढ़ चुके हैं, याद है क्या आपको? हाँ, तो हमने डिटेल में पढ़े हैं, तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, और एक्ट से मैंने इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको ये सब चीजें पता रहे कि भाई कहाँ पे क्या मीनिंग है। तो मैंने बहुत सारी चीजों के आपको मीनिंग डिटेल में समझा के बताया था। ठीक है, अब आपको वो सब चीजों का फायदा दिख रहा होगा। अगर आप सिर्फ रटने के पीछे जाएंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं लॉ तो रटने का ही रहता है, तो ऐसा नहीं है। अब आपको ये चैप्टर में दिखेगा सब फायदा क्या होता है उसका। ठीक है, और इसका फायदा आपको कंपनीज एक्ट वगैरह में, बेयर एक्ट्स में दिखेगा। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप उतने अच्छे से पढ़ते हैं तो, और मैंने आपको कई बार बताया हूं ये जो सब्जेक्ट है आपका लॉ, ये आपको सिर्फ लॉ में काम नहीं आता है, ये आपको कहाँ कहाँ काम आएगा? ये आपको ऑडिट में काम आ जाएगा, ये आपको अकाउंट्स में काम आ जाएगा, तो बहुत जगह काम आ रहा है। इवन टैक्सेशन में कहीं कहीं आपको काम आ जाता है, बायबैक वगैरह पढ़ते हैं, राइट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत जगह काम आता है, और इसीलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। फिर आगे दिया है, द कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एंड ट्राई एंड एक्सट्रैक्ट व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रू मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ इट। यानी
कोर्ट को कभी भी क्या करना है, कोर्ट को यहाँ की डेफिनेशन इग्नोर कर ही नहीं सकते, यहाँ की डेफिनेशन मानना ही है, जो एक्ट में लिखा है वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मीनिंग निकालना है, बट उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, अरे ये डेफिनेशन छोड़ो दूसरी उठाते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा है। फिर द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन क्लॉज इज टू फोल्ड, दो उसके मेन एम होते हैं, टू प्रोवाइड अ की टू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, तो वो हेल्प करती है इंटरप्रिटेशन में ऑफ द एनेक्टमेंट, एंड टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एनेक्टमेंट एनेक्टिंग पार्ट बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स कंटेन्ड इन द डिफरेंट डेफिनेशन पार्ट एवरी टाइम द लेजिस्लेचर वॉन्ट्स टू रेफर टू द एक्सप्रेशन कंटेन्ड इन द डेफिनेशन। एक बार डिफाइन कर दिया तो आपको बार बार पूरा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार ऑफिसर इन डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया तो हर जगह सिर्फ ऑफिसर इन डिफॉल्ट वर्ड लिख दिया, दैट विल बी सफिशियंट, आपको फिर हर जगह पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉस्पेक्टस एक बार डिफाइन कर दिया, हर जगह फिर प्रॉस्पेक्टस एक वर्ड लिख दो, बार बार बताने की जरूरत नहीं, प्रॉस्पेक्टस मीन्स ये, प्रॉस्पेक्टस मीन्स ये, बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये फायदा होता है, तो इससे जो लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट है दैट बिकम्स शॉर्ट, ठीक है। तो ये दो इसके इंटेंशन होते हैं, जैसा कि हमने इवन जनरल क्लॉजेस एक्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी दो इंटेंशन है, पहला मीनिंग देना कि डेफिनेशन दे के मीनिंग दे दिया है, और दूसरा यानी इंटरप्रिटेशन में हेल्प करना, दूसरा टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, ठीक है। फिर डेफिनेशंस किस किस प्रकार की होती है, तो ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में, यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा स्पीड अप करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, तो देखो बताया गया है रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन। रेस्ट्रिक्टिव यानी क्या, जब बोल दिया मींस, मींस वर्ड बोल दिया मींस सिर्फ वही चीज आएगी, बाकी चीजें नहीं आएगी, ठीक है। और अगर बोल दिया इंक्लूड्स तो इट इज एन एक्सटेंसिव डेफिनेशन। एक्सटेंसिव यानी इट विल एक्सटेंड टू अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। जैसे लिखा है प्रमोटर मींस या कंपनी मींस, सबसे अच्छी डेफिनेशन, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो भी भारत के कंपनीज एक्ट में, इस कंपनीज एक्ट में या इसके पुराने कोई भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो हमारे लिए कंपनी है, बस बात खत्म हो गई, इसके बाहर कंपनी नहीं है। अगर वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो इट इज नॉट अ कंपनी फॉर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो उसको कंपनीज एक्ट लगेगा वो बात और है, क्योंकि हमने पढ़े इट इज अप्लीकेबल टू इवन बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बट क्या वो कंपनी हमारे लिए नहीं, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी हमारे लिए नहीं, क्यों, क्योंकि वर्ड लिखा है कंपनी मींस, मींस वर्ड जैसे ही आ गया तो ये हो गई रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, उसमें सिर्फ उतनी ही चीज आएगी। और दूसरी होती है एक्सटेंसिव डेफिनेशन, जैसे लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स वर्ड है, वहां लिखा है सेल, बार्टर, ट्रांसफर वगैरह वगैरह ये सब दिया, एक्सचेंज, तो ये सब चीजें बताया गया, लीज बताया, तो ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें बताई गई है, लेकिन क्या इतनी ही सप्लाई है? आंसर इज नो, इसके अलावा भी चीजें सप्लाई हो सकती है। कौन सी चीजें? तो जो उसमें नहीं बताई गई है वो भी चीजें सप्लाई में कवर हो सकती है, ठीक है। तो क्यों हो सकती है? क्योंकि वहां वर्ड लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स, वहां पे मींस नहीं है, तो दैट इज एन एक्सटेंसिव डेफिनेशन, ठीक है। तो ऐसा है, द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इज इन द डेफिनेशन सेक्शन में आइदर बी रेस्ट्रिक्टिंग द ऑर्डिनरी, रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग, और मे बी एक्सटेंसिव ऑफ द सेम। When a word is defined to mean, अगर mean word use किया है तो ऐसे cases में prima facie it is restrictive and exhaustive. Exhaustive means खत्म हो जाना, restrictive यानी वहीं पे रुक जाना, ठीक है। और वहीं अगर include word use करते हैं आप तो ऐसे cases में prima facie it is extensive. Extensive means ये example के रूप की है और भी आगे चल सकती है। Prima facie का मतलब है अगर इसके विपरीत नहीं prove होता है तो it will be considered as रिस्ट्रिक्टिव और एक्सटेंसिव। प्राइमा फेसी यानी जनरली बोल सकते हैं आप, ठीक है। वैसे जनरली नहीं होता बट प्राइमा फेसी बहुत बार मैंने आपको समझा दिया हूं, ठीक है। तो ऐसा है, तो वही है, मैं ये आपको पूरा रीड करके नहीं बताता क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीजें आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर आगे दिया है कभी कभी आपको दोनों दिखेगा, मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर ऐसी डेफिनेशन है तो क्या होगा, जैसे कि लिखा है कि शेयर्स, शेयर्स में डेफिनेशन है, या कहीं तो भी ऐसी एक डेफिनेशन है जहां पे लिखा है शेयर की तो डेफिनेशन है, शेयर की डेफिनेशन है, वहां लिखा है शेयर मींस द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, तो क्या इसको और आगे ले जा सकते हो आप? इंक्लूड्स वर्ड है तो क्या ले जा सकते हो? आंसर इज नो, आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, खत्म, इसके आगे जाना ही नहीं, ठीक है। तो दोनों लिखा है मींस भी और इंक्लूड्स भी, तो ऐसे केसेस में इट इज अगेन एग्जॉस्टिव, खत्म हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लिख के रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द वर्ड इज डिफाइंड एज टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, तो अप्लाई टू एंड इंक्लूड बोला है तो इट इज अगेन एक्सटेंसिव, ठीक है, तो एक्सटेंसिव रहेगी।
एग्जाम्पल दिया है, कभी कभी ऐसा होगा मीन्स वर्ड है बट एनी लिखा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जैसे मैं बोला हूं कि एनिमल मीन्स, या एनिमल छोड़ो, फूड मीन्स एनी टाइप ऑफ ईटेबल्स, तो ऐसा बोल दिया हूं मैंने, तो फूड मीन्स एनी टाइप ऑफ ईटेबल्स, तो उसमें बहुत सारी चीज आएगी, तो ईटेबल में बहुत चीज आ सकती है, तो एनी वर्ड यूज कर दिया, तो भले आप मीन्स वर्ड यूज करो तो भी हो सकता है कि वो एक्सटेंसिव हो, तो ये डिपेंड करेगा कि वो आपके किस कंटेक्स्ट में आ रहा है, कैसे, किसके साथ आ रहा है, कौन से वर्ड्स के साथ आ रहा है, तो इंटरप्रिटेशन इसीलिए एक स्किल होते है, एक कला होती है, ठीक है। तो वही दिया है, द यूसेज ऑफ द वर्ड एनी इन द डेफिनेशन कनोट्स एक्सटेंशन फॉर एनी इज अ वर्ड ऑफ एवरी वाइड मीनिंग, बहुत वाइड मीनिंग दे सकते हैं, एंड प्राइमा फेसी द यूज ऑफ इट एक्सक्लूड्स लिमिटेशन, फिर वहां लिमिट नहीं होगी, डेफिनेशन बहुत वाइड हो जाएगी। फिर इट हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट वेयर द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड इन द एक्ट इट मस्ट बी टेकन टू हैव थ्रू आउट द एक्ट, तो एक्ट में डिफाइन किया है, सेक्शन 2 क्लॉज 41 डिफाइन करता है रिलेटिव, तो वो हर जगह लगेगी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइड, तो प्राइमा फेसी वो हर जगह लगेगी, लेकिन अगर 56.2.10 में स्पेसिफिकली बोला है नहीं यहां पे रिलेटिव ये होगी, वो डेफिनेशन जानबूझ के इतनी अच्छी बनाई गई है, अगर आप देखो वो डेफिनेशन को पढ़ के, तो उसमें कैसा होता है, उसमें अगर आपको आपके चाचा जी गिफ्ट दे रहे, आपको आपकी बुआ जी गिफ्ट दे रहे, आपको आपकी मौसी मौसा जी गिफ्ट दे रहे, तो ऐसे केस में वो गिफ्ट में कवर होता है, वो आपके रिलेटिव हैं, लेकिन आप उनको गिफ्ट दे रहे, आपने मौसा जी को गिफ्ट दिया, आपने चाचा जी को गिफ्ट दिया, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द टर्म रिलेटिव। तो इतनी खास डेफिनेशन बनाई गई है कंपनीज एक्ट में, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट में, कौन सी वाली, 56.2.10 वाली, और ये बहुत लॉजिकल है, बहुत दिमाग लगा के बनाई गई है, सोच के देखो ये ऐसा क्यों बोला गया है, ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब भी आप देखते हैं तो बड़े छोटों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन छोटा बड़े को गिफ्ट दे रहा है, तो ऐसे केस में देयर इज अ टैक्स प्लानिंग, तो ये टैक्स प्लानिंग वगैरह इन्वॉल्व होगी, और इसीलिए इस प्रकार से डेफिनेशन बनाया है, तो बहुत जबरदस्त डेफिनेशन बनाई गई है, इनकम टैक्स पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि डेफिनेशंस इतनी अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, कौन से रूल्स कब लगाना कब नहीं लगते हैं, तो ये हर चीज के अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग रूल, और उसको याद रखने के भी अलग अलग आपने तरीके बना लेना चाहिए, जैसे कि समझो आपको ये याद नहीं रहता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो किससे सेट ऑफ होगा, क्या शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ हो सकता है, क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है, तो इनको कुछ एग्जाम्पल से याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोई लड़का है पप्पू है, पप्पू की गर्लफ्रेंड भाग गई, ये हो गया उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो नहीं बनाएगा या तो वो शादी कर लेगा, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो अगर उसका शॉर्ट टर्म लॉस हुआ था तो वो सेट ऑफ कर सकता है या तो शॉर्ट टर्म गेन से या लॉन्ग टर्म से, दोनों से कर सकता है, लेकिन सोचो पप्पू की वाइफ भाग गई अब अच्छा लगेगा वो गर्लफ्रेंड बनाएगा तो नहीं, तो इसीलिए अगर उसकी वाइफ भाग गई तो उसको शादी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली एंड नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, तो ऐसा है। तो खैर मैं कभी कभी बहक जाता हूँ, इधर से उधर चले जाता हूँ, तो खैर मैं अभी अपना फिर से लॉ पे स्टिक करता हूँ, तो ऐसे लेकिन याद रखना चाहिए, हर चीज का आपके पास उपाय रहता है वहां पे, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, सेक्शन 80 के पूरी सीरीज आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसमें दिया है 80E, तो एजुकेशन वगैरह, 80G, 80GG, गैर घर, तो ऐसे सब है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, अपन अपने इस पे फिर से टिकते हैं, तो एग्जाम्पल बताया है वही सेम, अगर एनी वर्ड यूज किया है तो वो सब चीज कवर कर लेगा, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, उसी प्रकार से अगर कोई एक्ट बताई गई है तो वो थ्रू आउट द एक्ट उसको मानना ही पड़ेगा, अनलेस अगर वो मानने से कोई रिपग्नेंसी हो रही है तो फिर आप उसको नहीं मानोगे, ठीक है, तो ऐसा है। फिर और एग्जाम्पल्स दिए गए आपको, इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ लीज अंडर 216C ऑफ द स्टैंप एक्ट हैज बीन वाइडली कॉन्स्टिट्यूट, तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर किया उन्होंने, सिर्फ उतनी नहीं जितनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आती है, तो लीज एज डिफाइंड इन स्टैंप एक्ट हैज अ वाइडर मीनिंग देन एज डिफाइंड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, तो ऐसा है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल्स वगैरह आपको एग्जाम में। आगे दिया है एक और, सेक्शन 2M ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब ये सब आपने पढ़े नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, कंटेन्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, वहां इंक्लूसिव डेफिनेशन दिए ऑफ अ पर्सन, और वहां पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि पर्सन में कोई ये आएगी कंपनी आएगी, बट पर्सन को कंपनी पे भी लगाना सही माना गया, ठीक है, अब ये जनरल पॉइंट है, ठीक है। इंक्लूसिव डेफिनेशन दिए कि पर्सन इंक्लूड्स, और उसमें कंपनी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो भी यहाँ पे इट हैज बीन हेल्ड टू इंक्लूड अ कंपनी
ऑल्दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड देयर इन, ठीक है, ऐसा है. फिर अ डेफिनेशन सेक्शन में ऑल्सो बी वर्डेड एज इज डीम्ड टू इंक्लूड, तो इज डीम्ड टू इंक्लूड बोला है, तो ऐसे केसेस में भी इट विल बी एक्सटेंसिव. तो ये मान लिया जाएगा कि ये इसमें है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीजें नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये है, ठीक है, तो बाकी चीजें भी होगी, ठीक है, तो ऐसा है. तो विच अगेन इज एन इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन, एक्सटेंड हो रहा है, ये एग्जाम्पल है कि मान लिया जाएगा कि ये है, ठीक है, और भी चीजें हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा है. तो जैसे कि उसने मान लिया कि आप उसके भाई हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं सिर्फ आप उसके भाई हो, उसका मतलब है और भी भाई हो सकते हैं, ठीक है, और बढ़ाना है थोड़ा, तो समझो आपने मान लिया कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं सिर्फ वो, और भी हो सकते हैं, तो इंक्लूड्स, ठीक है, डीम टू इंक्लूड, मान लिया आपने डीम टू इंक्लूड, ठीक है, असल में है नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है, आप लोग करते हैं कभी कभी, भाई 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 भाभी है तेरी, ऐसा होता है, तो खैर ठीक है, छोड़ो जाओ दिया. हाँ, तो एग्जाम्पल्स है, वैसे ही आगे दिया है, इफ ए इज डीम टू बी बी, यानी अगर ए और बी सेम माना गया है, तो अगर आप ए को कंप्लाई कर लोगे तो बी भी कंप्लाई हो जाएगा, और ए कॉन्ट्रावीन होगा तो बी भी कॉन्ट्रावीन होगा, सिंपल है, ठीक है. तो वैसे ही है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ऐसे केसेस में ए इज इक्वल टू सी, ऐसा हो जाएगा. फिर दिया है एम्बिगियस डेफिनेशन. एम्बिगियस डेफिनेशन का क्या मतलब है? विच इज नॉट क्लियर. एम्बिगियस का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, तो डेफिनेशन दिए, डेफिनेशन इज क्लियर नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी एक्ट में, तो अब क्या उसको आप नहीं मानोगे? आंसर इज मानना ही पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन दी गई है एक्ट में, तो आपको वही डेफिनेशन मानना है. लेकिन ऐसी डेफिनेशंस को आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के नहीं इंटरप्रेट कर सकते, आपको देखना पड़ेगा ये डेफिनेशन, ये वर्ड किसके साथ आ रहा है, तो जहां आ रहा है वहां के हिसाब से उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा. इट शुड नेवर बी रेड इन आइसोलेशन. आइसोलेशन यानी अकेलेपन, अकेले नहीं पढ़ना है उसको, उसको किसके साथ आ रहा है तब आपको समझेगा. तो गड़बड़ है वो, एम्बिगियस है, एम्बिगियस है ना, पागल है वो डेफिनेशन, तो पागल है तो उसको अकेले नहीं छोड़ना है, तो पागल है उसको अकेले छोड़ दोगे तो कुछ भी करते बैठेगा, तो पागल है डेफिनेशन, उसको क्या करोगे आप, उसको आप दूसरों के साथ लेके जाओगे, ठीक है, तो किस कंटेक्स्ट में आ रहा है उससे आप उसको इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, तो ऐसा लिखना नहीं है पागल है डेफिनेशन वगैरह, तो ये सब सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं. तो एम्बिगियस है तो भी आपको मानना तो है, लेकिन आपको दूसरों के साथ मानना है, दूसरे पूरे कंटेक्स्ट किस वर्ड के साथ आ रहा है उसके हिसाब से आप उसका मीनिंग लोगे, ठीक है, तो ऐसा है. तो एम्बिगियस डेफिनेशन, समटाइम्स वी मे फाइंड दैट द डेफिनेशन सेक्शन में इटसेल्फ बी एम्बिगियस, एंड सो इट मे हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस, दूसरे प्रोविजंस के साथ पढ़ना पड़ेगा ऑफ द एक्ट, एंड हैविंग रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफाइंड. सच टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस आर नॉट टू बी रेड इन आइसोलेशन, अकेले उनको पढ़ना ही नहीं, आपको उसको दूसरों के साथ पढ़ना पड़ेगा. इट मस्ट बी रेड इन द कंटेक्स्ट, किसके साथ आ रही है, ऑफ द फ्रेज विच इट डिफाइंस. रियलाइजिंग दैट द फंक्शन ऑफ डेफिनेशन इज टू गिव एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी टू द वर्ड और फ्रेज विच वुड अदरवाइज बी वेग एंड अनसर्टन, बट नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट इट और डिस्पोज इट ऑल टूगेदर. आप उसको डिस्पोज नहीं करोगे, आपको मानना ही है, बट आपको दूसरे चीजों को साथ में लेके पढ़ना पड़ेगा, बाकी के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसा है. जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, इसमें क्या हुआ था, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से, जैसे समझो एक सीजनल एम्प्लॉय है, सीजनल एम्प्लॉय का क्या मतलब है, जो एक सीजन में काम करने आता है, हमेशा नहीं करता, बारिश का सीजन है, छाता बनाने वाली कंपनी है, एक व्यक्ति है वो आता है, वो छाता बनाता है, उसको 3 महीने के लिए बोला गया है कि 3 महीने तू छाता बनाने का काम करेगा, तो वो आता है, छतरी बनाता है, चले जाता है. 3 महीने बाद अब उसका काम खत्म हो गया, अब वो नहीं आएगा, तो क्या ये टर्मिनेशन है, क्या हम मानेंगे उसको निकाल दिया हमने? आंसर इज नो, इसको निकाला नहीं गया है, इसका टर्मिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, फिर से अगले सीजन में आ जाएगा. लेकिन वहीं पे अगर एक डेली वेजर है, डेली वेजर यानी रोज का जो मेहनत आना कमाता है, रोज आता है, मजदूरी करता है और पैसे लेके जाता है, भले इसको प्रोजेक्ट पे अपॉइंट किए, मेरा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं एक पूरा पुल बना रहा हूँ, 200 करोड़ का एक पुल बना रहा हूँ, मैं हाईवे बना रहा हूँ, पुल बना रहा हूँ, तो वहां पे मैंने डेली वेजर को अपॉइंट किया, उसको बोल दिया कि साल भर का काम है, साल भर डेली वेजर्स पे मैं तेरे को रखूंगा, और साल भर बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो तेरे को निकाल दूंगा, तो क्या ये इसमें कवर होगा, क्या ये टर्मिनेशन में आएगा? आंसर इज यस. तो ये कहां से पता लगा? ये डेफिनेशन एम्बिगियस है, तो डेफिनेशन किसके साथ आ रही है उस पर डिपेंड करेगा. सीजनल के साथ आ रही है तो वो टर्मिनेशन नहीं है,
क्योंकि सीजनल फिर से आएगा, अगला सीजन आएगा, फिर से अपन उसको अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन डेली वेजर, वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, अब क्या डेली वेजेस पे था, खत्म हो गई बात, तो इट इज टर्मिनेशन। तो इट विल डिपेंड कि टर्मिनेशन को कहाँ पे कैसा यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद नहीं भी रहे तो चलता है, बट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो वैसे ये एम्बिगियस वगैरह डेफिनेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ सीजनल वर्कर आफ्टर द वर्क वॉज ओवर डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, तो ये टर्मिनेशन को रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, छटनी करना। तो छटनी किए मानेंगे क्या अपन, सीजनल वर्कर था उसको बोले अरे सीजन खत्म हो गया अब मत आना, तो क्या हमने निकाल दिया उसको? आंसर इज नो, ठीक है, एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेली वेजर, तो सीजनल वाले को निकाले तो ये छटनी नहीं है, लेकिन डेली वेजर को निकाला है तो ऐसे केसेस में भले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, छटनी करना, निकाल दिया बोलेंगे हम। इफ द वर्कर हैड नॉट बीन टोल्ड व्हेन द एम्प्लॉयमेंट व्हेन एम्प्लॉयड दैट हिज एम्प्लॉयमेंट विल एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, ये वर्ड भी ध्यान रखो, यहाँ वर्ड लिखा है इफ द वर्कर हैड नॉट बीन टोल्ड, उसको बताया नहीं गया था कि तेरे को निकाल देंगे, ठीक है, तो तब वो रिट्रेंचमेंट कहलाएगा। तो रिट्रेंचमेंट जब होता है ना तब कंपेंसेट करना पड़ता है, इसीलिए रिट्रेंचमेंट पे झगड़ा हो रहा है। जैसे मैंने किसी को निकाल दिया तो मेरे को उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा कि यार मैं तेरे को निकाल रहा हूं तो मैं उसको कुछ कंपेंसेट करूंगा एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्योंकि उसके तो बेचारे की जीविका कमाने का साधन खत्म हो गया, तो ऐसे केसेस में कंपेंसेट करना पड़ता है। तो रूल क्या बोल रहा है, अगर सीजनल वर्कर को निकाला जाता है तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट टर्मिनेशन, उसको पता रहता है सीजन है, सीजन खत्म हो जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन वहीं पे अगर एक डेली वेजर को निकाला जाएगा और उसको नहीं बताया गया था कि तुमको प्रोजेक्ट के बाद निकाल देंगे, तो ऐसे केसेस में इट विल बी ट्रीटेड एज रिट्रेंचमेंट, ठीक है। तो ऐसा है। फिर थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट। तो अगर कभी ऐसा लिखा है कि वेयर अ वर्ड इज डिफाइंड टू बियर अ नंबर ऑफ इंक्लूसिव मीनिंग्स, द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज्ड इन पर्टिकुलर प्रोविजन मस्ट बी असर्टेन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी जब कोई वर्ड ऐसा डिफाइन किया है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट, तो ऐसे केसेस में कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्ट द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन एंड द ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी सर्व्ड देयर बाय, ठीक है, ऐसा है। अगला पॉइंट है इलस्ट्रेशंस। तो कई बार एक्ट में इलस्ट्रेशंस भी दिए रहते हैं, जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तब शिप वाले एग्जाम्पल्स अपन बार बार लेते थे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम शिप का एग्जाम्पल क्यों लेते थे, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है इन द एक्ट। अब सवाल ये आता है कि आप इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो आंसर इज यस, आप यूज कर सकते हैं, बट अगर एम्बिग्यूटीज होगी, यानी अगर प्लेन टेक्स्ट कुछ और बोल रहा है और इलस्ट्रेशन कुछ और बोल रहा है, अलग बोल रहा है, तो इलस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हैं, बट ये अगर अलग जा रहा है प्लेन टेक्स्ट से तो प्लेन टेक्स्ट को माना जाएगा। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो वी वुड फाइंड दैट मेनी दो नॉट ऑल सेक्शंस हैव इलस्ट्रेशंस अपेंडेड टू देम, दीज इलस्ट्रेशंस फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शंस एंड देयरफॉर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेक्शंस, हाउएवर इलस्ट्रेशन डू फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, तो वो सेक्शन का हिस्सा नहीं है बट वो स्टैट्यूट का हिस्सा है, कानून का हिस्सा तो है, एंड आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ रिलेवेंस एंड वैल्यू इन कंस्ट्रूइंग द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन, आप उसको ध्यान में रखोगे, आप उसको यूज करोगे। हाउएवर इलस्ट्रेशन कैन नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन, मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड कैन नाइदर कर्टेल नॉर एक्सपांड द एम्बिट ऑफ सेक्शन, ये वर्ड ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कैन इलस्ट्रेशन एक्सपांड द एम्बिट ऑफ सेक्शन, क्या उसका दायरा बढ़ा सकता है? आंसर इज नो। मेन चीज है प्रोविजन, इलस्ट्रेशन में हो सकता है थोड़ा ज्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था जब ए ने बी को वादा किया कि मैं तुमको गुड्स दूंगा अगर एक शिप आती है तो आपको याद होगा ये वाला एग्जाम्पल, शिप अगर आ जाती है तो मैं तुमको गुड्स दूंगा, ये उसने वादा किया, इलस्ट्रेशन में इतना ही लिखा है। लेकिन क्या ये अगर सिर्फ गुड्स देने का वादा करे तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो, देयर इज नो कंसीडरेशन। तो इसीलिए मैंने आपको वहां पढ़ाते टाइम बोला था गुड्स देगा और अपने आप आपको मानना है पैसे लिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बोला भी था कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये रीजन आप समझोगे इंटरमीडिएट में। तो अगर आपको वो याद होगा आप जाके देखना चैप्टर नंबर 7, वहां पे जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, एक्चुअल वर्डिंग्स दी गई है, उसमें बोला गया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट,
जैसे ही बोल दिया इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको मान लेना है गुड्स देगा और पैसे लेगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सर्टन है, इसमें दोनों चीजें, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ये सब चीजें है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन में तो नहीं लिखा है, इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन में सिर्फ ये लिखा है कि ए गुड्स देगा या ए पैसे देगा, तो पैसे देगा तो गुड्स मिलेंगे, ये अपने को मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि सेक्शन की वर्डिंग्स बोलती है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर भले इलस्ट्रेशन में नहीं लिखा है कि दोनों जन कुछ ना कुछ दे रहे, बट फिर भी आप मान लेते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि इलस्ट्रेशन का काम है सिर्फ एक एग्जाम्पल देना, उसका ये काम नहीं है कि जो चीज लिखी है उसको बढ़ाए या उसको कम करे, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये वाला सेक्शन, ये इलस्ट्रेशन वाला रूल मैं वहां यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैं अभी बता सकता हूँ, बट उस टाइम में अगर बताता था तो आपको ये समझ ही नहीं होता। लेकिन वो क्यों होता है, मैंने सिर्फ बोल दिया था आपको, आप मान लो हर जगह लिखा रहेगा कि पैसे देने का वादा किया, लेकिन आप मान लो कि गुड्स लेगा और पैसे देगा। ये क्यों बोला था मैंने, वो इसलिए बोला था क्योंकि वहां सेक्शन की वर्डिंग्स बोलती है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। भले इलस्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन में लिखा है सिर्फ पैसे देने का वादा किया, शिप आएगी तो पैसे देगा। तो ऐसे केसेस में आपको मान लेना है पैसे देगा और गुड्स लेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये इलस्ट्रेशन जो है ये भी यूज कर सकते हैं, बट इट विल नॉट मॉडिफाई और अमेंड और इंक्रीज और डिक्रीज द एम्बिट ऑफ द सेक्शन, वो सेक्शन का दायरा कम या ज्यादा नहीं कर सकता। और एक एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सेक्शन नंबर 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, उसमें बोला गया है कि आप डैमेजेस इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट उसका जो एक सेकेंड, एक बार रीड कर लेते, इन होल्डिंग दैट सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट परमिट द अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट एज डैमेज फॉर मियर डिटेंशन ऑफ द डेट। तो अगर डेट वापस नहीं किया, समझो ए ने बी से कोई पैसा लेके आया था, डेट लेके आया था, और उसने ये पैसा वापस नहीं किया, तो क्या यहां पे जब ये वापस करना पड़ेगा तो यहां पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 73 किससे डील करता है, डैमेजेस से। अब वहां जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में नहीं लिखा है, इलस्ट्रेशन में ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया है कि डेट पे प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वापस करते टाइम लेट किए हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये नहीं लिखा है। तो क्या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्या, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सेक्शन क्या बोलता है, ऑर्डिनरी नेचर के जितने भी नुकसान है वो आपको भरपाई करके देना है, तो इंटरेस्ट जो है इट इज ऑर्डिनरी डैमेज, तो आपको वो वापस करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बताया, तो इन होल्डिंग सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट परमिट द अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट एज डैमेज फॉर मियर डिटेंशन ऑफ द डेट, द प्रीवी काउंसिल रिजेक्टेड दैट द आर्ग्यूमेंट दैट इलस्ट्रेशन गिवन इन द एक्ट कैन बी यूज्ड फॉर अराइविंग द कॉन्ट्ररी एट द कॉन्ट्ररी रिजल्ट। इट वॉज ऑब्जर्व दैट नॉर कैन एन इलस्ट्रेशन हैव द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन विच अलोन फॉर्म्स द एनेक्टमेंट। तो सेक्शन इज द पार्ट ऑफ जो एनेक्टमेंट है, सेक्शन अलग है, इलस्ट्रेशन अलग है। इलस्ट्रेशन को आप यूज जरूर कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी अगर इलस्ट्रेशन में और सेक्शन में कुछ गड़बड़ है तो ऐसे केसेस में आप सेक्शन मानोगे, इलस्ट्रेशन नहीं मानोगे, ठीक है, या इलस्ट्रेशन सिर्फ यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट ये कुछ चीज को कम या ज्यादा नहीं कर सकता, सेक्शन की वर्डिंग को बढ़ा या कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा है। प्रोविजो, प्रोविजो तो ऑलरेडी पढ़े आपने, बहुत जगह पढ़े। प्रोविजो का क्या मतलब है, प्रोविजो कुछ कंडीशन देता है और कंडीशन के बाद आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे चीजों से। जैसे कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, उसमें आप पढ़ते हैं कि 200 लोगों की संख्या मैक्सिमम जाना चाहिए, उसमें फिर प्रोवाइडेड दैट व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ 200 मेंबर्स, फिर आप पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करोगे, ये पर्टिकुलर एक एक्सेप्शन दे दिया, कंडीशनल एक्सेप्शन, कि ये वाले पॉइंट के लिए आप इसको काउंट नहीं करोगे, तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन दे देता है, प्रोविजन का काम है जनरल रूल में से खास चीज को हटा देना, तो खास पॉइंट वहां से हटा दिए जाते हैं, तो प्रोविजो का वो काम होता है, मेन काम होता है, ठीक है। तो वो दिया गया है, तो द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ प्रोविजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ एन एनेक्टमेंट और क्वालिफाई यानी कंडीशन लगाना, समथिंग स्टेटेड इन द एनेक्टमेंट विच वुड बी विद इन इट्स परव्यू इफ द प्रोविजो वॉज नॉट देयर। अगर सेक्शन 2 क्लॉज 68 जब प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया, वहां पे अगर ये नहीं लिखा होता कि पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को आप काउंट नहीं करोगे, तो आपको काउंट करना पड़ा होता,
ठीक है, वहां पे अगर ये नहीं लिखा होता कि जॉइंट होल्डर्स के केस में आप वन काउंट करोगे तो आपको दो काउंट करना पड़ा होता, क्योंकि वो दो मेंबर कहलाते हैं। जब आप यही मीटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं जब आपको कोरम देखना है तो दो जन आए हैं तो टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट माना जाता है, भले जॉइंट होल्डर्स है। ठीक है, तो ऐसा है, तो वही दिया है द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन इज टू क्वालिफाई। ये हमेशा कंडीशनल होते हैं, जो भी प्रोविजन होता है कुछ ना कुछ कंडीशन लगाता है। ठीक है, तो कंडीशन लगाने का काम है, कई बार एक्सेप्शन भी देता है वो, बट कंडीशनल रहेगा, जो भी रहेगा कंडीशनल। क्वालिफाई द प्रिसीडिंग एनेक्टमेंट, जो ऊपर लिखा है उसको क्वालिफाई कर रहा है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स विच आर टू जनरल, तो जनरल में से स्पेशल पॉइंट हटा रहा है। जैसे कि आपको मैंने सेक्शन 8 में बताया था, प्रोवाइडेड फर्म कैन बी अ मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी, जनरल रूल क्या है आपका, फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर क्योंकि फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बट स्पेसिफिक रूल क्या है, तो स्पेसिफिक रूल यह है कि सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि फर्म कैन बिकम द मेंबर। ठीक है, तो वो प्रोविजो है प्रोवाइडेड। ठीक है, एज अ जनरल रूल अ प्रोविजो इज एडेड टू एन एनेक्टमेंट टू क्वालिफाई, क्वालिफाई यानी कंडीशन लगाना, और क्रिएट एन एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शन लाना, एक्सेप्शन भी कैसा कंडीशनल एक्सेप्शन रहेगा, टू व्हाट इज इन द एनेक्टमेंट। ऑर्डिनरली अ प्रोविजो इज नॉट इंटरप्रिटेड एज स्टेटिंग अ जनरल रूल, ये जनरल रूल से हटके बात करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो क्वालिफाई, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इट इज द कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट प्रोविजो टू अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट ओनली एम्ब्रेसेस दैट फील्ड विच इज कवर्ड बाय द मेन प्रोविजो, तो मेन वाले से ही रिलेटेड रहेगा। प्रोविजो कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है तो इट विल अप्लाई ओनली टू दैट सेक्शन। ये बहुत जगह आप पढ़ते हैं प्रोविजो, तो आपको इनकम टैक्स में तो इतने प्रोविजोज है और बहुत काम काम के प्रोविजो है, कई चीजें तो प्रोविजो से ही समझती है, सेक्शन 9 वगैरह हो गए, बिजनेस कनेक्शन वगैरह टाइप की चीजें हो गई, तो ये सब चीजें आपको समझना है। ठीक है, इट क्रेव्स आउट एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन विच इट हैज बीन एनेक्टेड एज अ प्रोविजो एंड नो अदर। ठीक है, तो carves out, इट carves out, बाहर निकाल देता है वो, क्या बाहर निकालता है, एज एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन, मेन प्रोविजन से कोई पर्टिकुलर चीज बाहर निकालता है, कंडीशन लगा देता है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर अब ये एक अलग पॉइंट है, ये डब्बे में होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये कोई काम का नहीं है बट एक बार पढ़ लो, ये सिर्फ ये बोल रहा है प्रोविजो अलग होता है, एक्सेप्शन अलग होता है और सेविंग क्लॉज एक होता है, सेविंग क्लॉज भी अलग होता है। प्रोविजो का क्या मतलब है, प्रोविजो भी काम कर रहा है एक्सेप्शन का, लेकिन वो क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब आपको स्पेशल केसेस को बाहर निकालना है, एक्सेप्शन क्या करता है, एक्सेप्शन सीधा सीधा बाहर कर देता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं, स्पेशल केस वगैरह नहीं, सीधा सीधा सबको बाहर कर दिया, तो एक्सेप्शन भी बाहर करने का काम करता है बट देयर वॉज नो क्वालिफिकेशन। और सेविंग क्लॉज क्या करता है, सेविंग क्लॉज अंदर लाता है, बचाता है, तो ये बाहर कर रहे हैं, सेविंग क्लॉज बचाता है, जैसे लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी कहीं और कुछ लिखा होगा तो वो लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सेविंग क्लॉज, प्रोविजो इज यूज टू रिमूव स्पेशल केसेस, तो ये भी बाहर कर रहा है लेकिन स्पेशल केसेस, तो क्वालिफाई कर रहा है ये फ्रॉम जनरल एनेक्टमेंट। एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन, रोकना द एनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, तो ये भी ये पर्टिकुलर केसेस विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, यहां पे क्वालिफाई यानी कंडीशंस रहेगी, कंडीशनल एग्जेम्पशन बोल सकते हैं आप प्रोविजो में, एक्सेप्शन में कोई कंडीशन नहीं। एंड सेविंग क्लॉज इज यूज टू प्रिजर्व फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन सर्टन राइट्स रेमेडीज और प्रिविलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो ऐसा है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन शेड्यूल और रीड द होल स्टैट्यूट एज अ होल, बस इतना पढ़ते हैं और आज की क्लास को अपन पूरा करेंगे। एक्सप्लेनेशन कहां पढ़ा था आपने, एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यहां पे आपने पढ़ा था, याद है आपको, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस आखिर में लिखा हुआ था, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलॉन्ग विद शेल्फ प्रॉस्पेक्टस विल बी डीम्ड एज प्रॉस्पेक्टस। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, ये क्या कर रहा है, ये आपको वो चीज को और अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, जैसे कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इज अ प्रॉस्पेक्टस विच डज नॉट कंटेन द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइस और क्वांटिटी और बोथ, प्राइस और क्वांटम और बोथ। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत जगह और भी मिलेंगे, जैसे वो इनकम टैक्स, इतने एक्सप्लेनेशन भरे हैं और वो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि
विदाउट द एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सेक्शन 31-32 इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, ये क्या करता है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है द मीनिंग, वो उस चीज को और अच्छे से बता रहा है, ये भी कुछ चीज नई नहीं बता रहा है, जो ऑलरेडी बताया है ऊपर के सेक्शन में 31 में उसको एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन में, ठीक है। जो ऑलरेडी बताया है सेक्शन नंबर 32 में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या है, तो उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया आखिर में, ठीक है। तो वो चीज बताइए, एन एक्सप्लेनेशन इज एट टाइम्स अपेंडेड टू द सेक्शन, जोड़ा जाता है टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अ सेक्शन, एन एक्सप्लेनेशन मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट, एन एक्सप्लेनेशन शुड नॉर्मली बी सो रेड एज टू हार्मोनाइज विद द क्लियर विद एंड क्लियर ऑफ द एम्बिग्यूटी इन द मेन सेक्शन। तो यहां पे भी आपको हार्मोनी लाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सप्लेनेशन कुछ और बोल रहा है और सेक्शन कुछ और बोल रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो तो जब सेक्शन है तो सेक्शन से रिलेटेड वो बात कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए सेक्शन मेन है, एक्सप्लेनेशन उसको एडवांस करेगा, वो उसको अच्छे से समझाएगा बस। इट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज टू वाइडन द एम्बिट, यहां भी सेम है, इट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज टू वाइडन द एम्बिट ऑफ अ सेक्शन। इन अगला पॉइंट है शेड्यूल, तो शेड्यूल क्या आप यूज करेंगे, आंसर इज यस, शेड्यूल भी आप यूज करेंगे, लेकिन यहां भी वही है, अगर शेड्यूल कुछ और बोल रहा है और एक्ट कुछ और बोल रहा है तो एक्ट विल प्रिवेल, ठीक है। तो शेड्यूल, द शेड्यूल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट, एक्ट में लिखा था अभी मैंने आपको एक्ट बताया, देयरफॉर दे मस्ट बी रेड टुगेदर विद द एक्ट फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपको यूज करना ही है, ठीक है। However, the expression in the schedule cannot control or prevail over the expression in the enactment. वही चीज है। If there appears to be any inconsistency between the schedule and the enactment shall always prevail. तो provision will always prevail, schedule नहीं prevail करेगा। They often contain details and forms of working out the policy underlying the sections of the statute. For example, schedules appended to Companies Act or to the Constitution of India. तो जैसे schedule बताए गए, format बताए गए कि MOA का फॉर्मेट, AOA का फॉर्मेट, बैलेंस शीट, P&L इनके फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सब चीजें आप यूज करोगे, बट ये इनफैक्ट आप बनाते भी हैं, जो भी चीज बनाते हैं उसके हिसाब से होता है, बट अगर एक्ट में कुछ और है और शेड्यूल में कुछ और है तो शेड्यूल इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। फिर आखिरी रूल, ये जो भी अपन ने ऊपर तक पढ़ा अभी तक, ये सब आप आइसोलेशन में नहीं देखोगे, अल्टीमेटली आपका एम है पूरे कानून का इंटरप्रिटेशन करना और सिर्फ एक सेक्शन का इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। तो आप जब भी इंटरप्रिटेशन करोगे तो ऐसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि पूरे सेक्शंस को कोई ना कोई मीनिंग मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेक्शन का मीनिंग आ रहा है और दूसरा कॉन्ट्रावीन हो जा रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब मीनिंग निकालोगे तो जितने सेक्शन है सब सेक्शन को कुछ ना कुछ मीनिंग मिलना चाहिए, तो ये चीज बोली जाती है, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, क्योंकि स्टैट्यूट बनाया कैसा है, पूरा बनाया गया था, ऐसा नहीं बनाया गया था कि एक आध सेक्शन बना दो फिर एक आध सेक्शन छोड़ दिए, तो उनका इंटेंशन क्या है, सब चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो आपको पूरा कानून एक साथ पढ़ना पड़ता है। तो वही बताया, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, इट इज द एलिमेंट्री प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैट्यूट इज टू बी मेड ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स टेकन टुगेदर एंड नॉट ऑफ ओनली वन पार्ट। लॉर्ड वॉटसन, वॉटसन एक है क्रिकेट खेलता था, नहीं उसकी बात नहीं हो रही तो किसकी बात हो रही, तो लॉर्ड वॉटसन जज है, स्पीकिंग विथ रिगार्ड टू डीड्स, ये डीड्स के लिए बोल रहे थे, has stated thus, the deed must be read as a whole, deed यानी जो जैसे sale deed हो गई, partnership deed हो गई, पूरी deed साथ में पढ़ना है, in order to ascertain the true meaning of its several clauses and the words in each of each clause should be so interpreted as to bring them into harmony with other provision, यानी आप जो भी meaning निकाल रहे हैं सब points को meaning आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए point one, point number two छोड़ दो ना, बाकी के point को मानते हैं, ऐसा नहीं, सब पॉइंट्स को मीनिंग आना चाहिए, तो एज फार एज पॉसिबल ऐसा मीनिंग निकालो कि सब पॉइंट्स को मीनिंग मिले, ठीक है। इफ दैट इंटरप्रिटेशन डज नॉट डज नो वायलेंस टू द मीनिंग ऑफ विच दे आर नेचुरली ससेप्टिबल एंड द सेम अप्रोच वुड अप्लाई विथ इक्वल फोर्स विथ रिगार्ड टू एक्ट्स रूल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। वन ऑफ द सेफेस्ट गाइड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वीपिंग जनरल वर्ड्स इज टू एग्जामिन अदर वर्ड्स ऑफ द लाइक इम्पोर्ट। बाकी की चीजें भी आप पढ़ोगे, बाकी के वर्ड्स भी आप ध्यान में रखोगे। इन द सेम एनेक्टमेंट और इंस्ट्रूमेंट टू सी वॉट लिमिटेशन मस्ट बी इम्पोज ऑन देम। इफ वी फाइंड दैट नंबर ऑफ सच एक्सप्रेशन हैव टू बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेशन क्वालिफिकेशन एंड सच लिमिटेशन क्वालिफिकेशन आर ऑफ द सेम नेचर
that circumstances forms a strong argument for subjecting the expression in dispute to the similar limitation and qualification. ठीक है, तो similar है, तो ये एकदम ही सिंपल इंग्लिश में हो गया, तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको, पूरा एक्ट साथ में बनाए तो पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट छूट जा रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन छूट जा रहा है, कोई क्वालिफिकेशन छूट जा रहे हैं, सब चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो आप जनरल प्रोविजन, क्वालिफिकेशंस, प्रोविजो सबको साथ में पढ़ के मीनिंग निकालोगे. ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, इफ वन सेक्शन ऑफ एन एक्ट रिक्वायर्स नोटिस शुड बी गिवन, एक जगह लिखा है नोटिस देना है, गिवन, देन द वर्बल नोटिस वुड बी सफिशियंट. जैसे जब मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बताया था, वहां पे मैंने आपको क्या बोला था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि वहां लिखा है नोटिस देना है, नोटिस देना है उसका क्या मतलब है, सिर्फ बोल के भी दे दिए तो चलता है, मैंने वहां बोला था आपको, सिर्फ फोन करके बोल दो कि आपका चेक बाउंस हो गया, तो चेक नहीं, चेक के केस में नहीं, बाकी केस में, चेक में तो रिटर्न नोटिस था, ठीक है, 138, बट बाकी जगह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, वहां आप अगर फोन पे भी बोल देते हैं कि अरे वो बिल बाउंस हो गया है, आपसे अब पैसा ले लूंगा, तो दैट इज अ वैलिड नोटिस, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो वर्बल नोटिस वुड बी सफिशियंट, क्योंकि वहां लिखा है गिवन, लेकिन वहीं अगर वर्ड यूज किया है नोटिस शुड बी सर्व्ड, उसी एक्ट में दूसरा सेक्शन बोलता है सर्व्ड, तो यहां पे जब सर्व्ड बोला है तो इट शुड बी रिटर्न, सर्व्ड या लेफ्ट. लेफ्ट का क्या मतलब है, जैसे राइट होता है लेफ्ट होता है, नहीं उसकी बात नहीं हो रही, लेफ्ट का मतलब है छोड़ के आना, सर्व्ड का मतलब है परोसना, उसको देना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको परोसना है, और ये सर्व्ड वर्ड पे बहुत झगड़े होते हैं. फाइनल में जब आप टैक्सेशन पढ़ेंगे, आप बहुत जगह देखेंगे कि वहां लिखा है नोटिस शुड बी सर्व्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द असेसी, तो सर्व होने का मतलब है आगे वाले को प्राप्त होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, सिर्फ बोल देने से नहीं होता कि भेज दिया था तुमको नहीं मिला, मिलना चाहिए, सर्व होना चाहिए, और ये सर्व क्या है, ये बहुत झगड़े हुए हैं इस पे, तो उसने लेने से मना कर दिया तो डीम्ड एज सर्व्ड, तो ये तो ऑलरेडी हमने वैसे पढ़े थे सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट में, जो हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखा था. ठीक है, तो वही दिया है, तो अगर सर्व्ड लिखा है या लेफ्ट लिखा है या फिर कोई पर्टिकुलर मैनर बताया है या प्लेस बताया है, तो इट वुड ऑब्वियसली इंडिकेट दैट रिटर्न नोटिस वाज इंटेंडेड. तो कैसे पता लगा आपको कि एक जगह रिटर्न नोटिस है, एक जगह ओरल चल जाएगा, क्योंकि आपने पूरा एक्ट साथ में देखा, एक जगह वर्ड लिखा था गिवन और दूसरी जगह वर्ड लिखा था सर्व्ड या लेफ्ट, तो ऐसे केस में पूरा एक्ट पढ़ोगे तभी समझेगा आपको कि कहां पे क्या मीनिंग आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा है, तो ये था आपके इंटरनल एड्स, अगले क्लास में हम एक्सटर्नल एड्स देखेंगे और अगले क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, वैसे आज ही हो गया होता बट अभी मैं इसको छोटा सा पार्ट छोड़ रहा हूं, तो ये मैं आपको कल कंप्लीट कर दूंगा. इसके बाद जो अर्ली बर्ड बैच है उनकी क्लास खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है, और जो नॉर्मल बैच है उनके जो बचे हुए चैप्टर्स है वो अब चालू हो जाएंगे, जो आपके अदर लॉस के आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बचा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचे हैं, तो वो आपके चालू हो जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम शुरुआत करेंगे और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आखिर में देखेंगे. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, आज जो भी पढ़ाया घर पे एक बार पढ़ो, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. चलिए, थैंक यू.